देखो इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले महीने यानी फेब्रुअरी 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इनमें से कुछ कारें ऐसी भी हैं जिनको ऑलरेडी इंडिया में रिवील किया जा चुका है लेकिन इनकी सिर्फ प्राइसिंग आनी बाकी है, तो इनको ऑफिशियली फेब्रुअरी 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो सबसे पहली कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है किया की करेंस। किया की तरफ से आने वाली ये 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली एमपीवी कार होने वाली है जिसको ऑलरेडी इंडिया में रिवील भी किया जा चुका है। इसका जो एक्सटीरियर लुक है वो आपको कम्प्लीटली न्यू देखने को मिल जाएगा, यानी इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है, इसके अलावा इसका जो रियर का फीशिया है ये कम्प्लीटली न्यू रखा गया है एज अ कम्पेयर टू किया की सोनेट और किया की सेल्टॉस। और इसके इंटीरियर का जो थीम है और डैशबोर्ड है ये भी आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसको 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ उतारा जाएगा। अगर किया कंपनी को एमपीवी सेगमेंट में उतारती है तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, या फिर अगर इसको एसयूवी सेगमेंट में उतारा जाता है जैसे कि अल्केजर के सेगमेंट में इसको उतारा जाता है तो इसकी कीमत 12 या फिर 13 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है अल्टो का न्यू जनरेशन मॉडल। इसको रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पाइड भी किया जा चुका है और इसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में और इसके इंटीरियर में बहुत सारे बड़े अपडेट्स गए हैं। रिसेंटली मारुति सुजुकी कंपनी ने सेलेरियो के न्यू जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया था जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और उसके बाद इसका सीएनजी मॉडल भी लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर अब बारी है न्यू जनरेशन अल्टो की इंडिया में लॉन्च होने की और इसकी जो कीमत रहेगी वो 3-3.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और अल्टो को नए हर्टेक प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया जाएगा। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है न्यू जनरेशन ब्रेजा। हालांकि बहुत सारे लोग इस कार का वेट कर रहे हैं क्योंकि जो मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा है वो मोस्ट सेलिंग कार है और अब इसके अंदर हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर काफ़ी बड़े अपडेट्स करे गए हैं एक्सटीरियर में इंटीरियर में। हालांकि इसका जो फ्रंट फीशिया है ये आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि इसके इंटीरियर में काफ़ी एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर अब आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू नई ब्रेजा को कंट्रोल कर सकोगे। इसके अलावा इसके अंदर नया टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और सेफ्टी के लिए बाकी के फीचर्स एडिशनली दिए जाएंगे। तो यहाँ पर नई ब्रेजा भी रेडी है इंडिया में लॉन्च के लिए और इसकी कीमत 7-7.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वह है सिट्रॉन की C3। हालांकि इसको ऑलरेडी इंडिया में रिवील किया जा चुका है और सिट्रॉन की ये दूसरी कार रहने वाली है। इससे पहले सिट्रॉन कंपनी ने C5 एयरक्रॉस के साथ इंडिया में एंट्री करी थी लेकिन सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस कम्प्लीटली फ्लॉप कार रही है। हालांकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और मतलब उस सेगमेंट की कार एक बहुत ही कम बिकती है। तो यहाँ पर अब सिट्रॉन कंपनी C3 एयरक्रॉस को इंडिया में अगले महीने लॉन्च करने वाली है। अब ये टोटली डिपेंड करता है सिट्रॉन कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी इस कार की कीमत कितनी रखती है। अगर इसकी कीमत ज़्यादा रखी तो डेफिनेटली ये फ्लॉप होने वाली है C5 एयरक्रॉस की तरह। अगर इसको अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो डेफिनेटली ये तबाही मचा सकती है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वह है स्कोडा की स्लाविया। हालांकि इसको रिसेंटली इंडिया में अनवील किया जा चुका है, इसके ऑलमोस्ट सभी फीचर्स सामने निकल कर आए हैं और ये कार डेफिनेटली लॉन्च होने के बाद तबाही मचाने वाली है। हालांकि स्कोडा कंपनी इस कार को हुंडा सिटी हुंडई वेरना के सेगमेंट में लॉन्च करने वाली है और इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। इसका जो एक्सटीरियर का लुक है काफी बढ़िया है और इसके इंटीरियर में आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कंप्लीटली नया डिजाइन चाहिए सेडान सेगमेंट में, इसके अलावा इंटीरियर अच्छा खासा चाहिए, तो स्कोडा की स्लेविया आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है और इसको फेब्रुअरी 2022 के एंड में या फिर मार्च 2022 के स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसको ऑलरेडी रिवील किया जा चुका है, इसकी सिर्फ प्राइसिंग आनी बाकी है। इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट हो सकती है 10 लाख रुपए से बेस मॉडल की एक्शन प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में रिवील किया जाएगा ना कि लॉन्च, वो है टोयोटा की रूमियन। हालांकि ये मारुति सुजुकी अर्टिगा का रिबैज वर्जन रहने वाला है जिसको टोयोटा कंपनी अपनी बैजिंग लगाकर इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसको ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया जा चुका है, अब इसको सिर्फ इंडिया में लॉन्च करना बाकी है। इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इंटीरियर में एक्सटीरियर में, सिर्फ आपको लोगो डिफरेंट मिलेगा, यानी मारुति की जगह आपको इस कार के अंदर टोयोटा का लोगो मिलेगा और कार लगभग सेम ही रहने वाली है। इस कार को टोयोटा कंपनी अगले महीने रिवील करेगी, लाइक मार्च 2022 तक इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा।
तो ये 6 कारें इंडियन मार्केट में अगले महीने आने वाली है। इनमें से किस कार का आप वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना।